नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज ऑफ अर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अर्थतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। दरअसल खबर ऐसा कुछ इस तरह है कि अब दोस्तों भारत के आगे WTO तक को झुकना पड़ गया है। WTO को ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं, जैसे अमेरिका, कैनेडा, यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का समूह है, उसमें सब एक से एक शक्तिशाली देश हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले देश हैं, जो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं, बहुत ही मजबूत देश हैं, उन देशों को भारत के आगे झुकना पड़ा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत ने एक अलग ही लेवल का कारनामा कर दिया है। वो एक ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से भारत के जो दुश्मन हैं वो भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, उनको भी भारत के समर्थन में आना पड़ गया है। आइए दोस्तों समझते हैं कि वो न्यूज है क्या। दरअसल दोस्तों WTO में एक एग्रीमेंट हो रखा था आज से करीब 25 साल पहले, अमेरिका ने कर रखा था ये कि इनके यहाँ की जो भी डिजिटल कंपनियाँ हैं, जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डेवलप्ड कंट्रियों के जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डेवलपिंग कंट्री में वो सर्विस देंगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी डेवलपिंग कंट्री। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो अमेरिका की कोई कंपनी, डिजिटल कंपनी, वो भारत में सर्विस देती है तो वो भारत से टैक्स कलेक्ट करके ले जाएगी, रिवेन्यू कलेक्ट करके ले जाएगी, तो भारत जो देश है वो उस कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा पाता था। वो कंपनी आती थी भारत में और अपने प्रोडक्ट को बेचती थी और भारतीयों से पैसा लेकर निकल लेती थी। वो फिजिकली नहीं आती थी, ऑनलाइन सर्विस लेती थी, सर्विस देती थी और पैसे कलेक्ट करती थी। मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गूगल है, गूगल अपनी ऑनलाइन कोई सर्विस दे रही है, उसका यहाँ पे ऐड चल रहा है किसी चीज़ में, तो ऐड चल रहा है तो भारतीयों से पैसे ले रही है ना गूगल कंपनी। तो अब जब भारतीयों से पैसे ले रही है तो उसमें हमारे देश को टैक्स तो मिलना चाहिए, भारत सरकार को टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी जो कंपनी है गूगल वो विदेश की और कमा रही है भारत के लोगों से, तो टैक्स तो बनता है ना। जैसे भारत के लोग नॉर्मल व्यापारी हैं, वो व्यापार करते हैं तो उस पर GST कलेक्ट करते हैं ना टैक्स भारत की सरकार, तो ऐसे ही विदेश की जो कंपनी है उसको भी टैक्स देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट सभी डेवलप कंट्रियों की तरफ से डेवलपिंग कंट्रियों के ऊपर ये एग्रीमेंट ला दिया था कि उनके यहाँ की जो भी कंपनी सर्विस दे रही होगी डिजिटल, उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो इसकी लड़ाई भारत ने शुरुआत कर दी थी, भारत के साथ और भी देश थे जैसे चीन है और भी टर्की है, इस तरह के स्पेन, इटली, ये कुछ देश हैं जो उस पर ये संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इस पर ज़्यादा आगे तक कोई देश जा नहीं पाया सिवाय भारत के। तो भारत लेकिन अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रखा उसमें और उसने अपनी मांग को बराबर दोहराता रहा, जिसकी वजह से अभी पिछले महीने जब ये UAE में सम्मेलन हो रहा था एक WTO का, तो वहाँ पे ये निर्णय निकला कि अब ये जो एग्रीमेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला, कि इसमें अब कोई टैक्स नहीं देते हैं जो कंपनियाँ, अब उनको 2026 से टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि भारत ने इसमें मजबूती के साथ अपना एक मुद्दा रेज किया कि भाई साहब इसकी वजह से हमको 35 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है हर साल, अब इस नुकसान को भारत नहीं सहेगा। तो भारत की ये बात उन लोगों ने समझी, WTO ने, और उन्होंने एक ऑर्डर भी पास किया कि अब ये जो एग्रीमेंट है ये अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी जगह अब वो चीज़ें सारी टैक्स देनी पड़ेंगी जो कंपनी अपनी सर्विस देगी डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अब उन कंपनियों का कहना है कि अगर हम किसी चीज़ पे सर्विस अपनी दे रहे हैं और उस पे अगर टैक्स अगर हम देंगे तो बनी बात है वो टैक्स हम उस देश के लोगों से लेंगे, फिर उसी देश के सरकार को टैक्स दे देंगे, तो इनसे उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा जिसकी वजह से इसका भार वहाँ की जनता को पड़ेगा। लेकिन भारत ने कहा कि ऐसा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टैक्स की ज़रूरत है, हमें टैक्स चाहिए, आप हमें टैक्स दीजिए, आप जहाँ से भी आपको कलेक्ट करना है आप उस टैक्स को कलेक्ट करते रहना, लेकिन हमको दे दो टैक्स। तो ये बात करी भारत सरकार ने और इस बात पे अमल भी हो गया। अब 2026 में ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि अब जैसे नेटफ्लिक्स
कोई सर्विस यहाँ पे देगा तो वो टैक्स भी भारत सरकार को देगा। उसके लिए अब जो भी उसके प्लान्स होंगे वो थोड़े से महंगे हो जाएंगे, जो भी उसमें टैक्स लगेगा। तो ये एक तरह से भारत की जीत है। और इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि भारत का जो एक रुतबा है, एक ऑरा है, वो विश्व में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और उसमें ये देखने को मिलेगा कि भारत की बात विदेशों में यूएन जैसे लेवल पे, डब्ल्यूटीओ जैसे लेवल पे मानी जाती है। ये डब्ल्यूटीओ में अगर किसी चीज़ को भारत के कहने पर मान ली गई तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो भारत की एक शक्ति दिखाती है कि हम एक ग्रोइंग पावर हैं, एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। भारत को इससे एक ये भी बेनिफिट मिलेगा कि हम यूएन में परमानेंट मेंबरशिप भी इस तरह पा सकते हैं। इस तरह हम और देशों को अपने साथ में ला सकते हैं, उनसे वोटिंग करवा सकते हैं, और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी जो न्यूज आएगी मैं आपके लिए वो अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।